नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत इंदौर के साथ, जहां रीगल चौराहा स्थित रीगल टॉकीज में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। नगर निगम के कब्जे के बाद से सालों से रीगल टॉकीज बंद पड़ा है। आए दिन यहां आगजनी होती है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर भयानक आग लगी हुई है। आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रीगल टॉकी सालों से बंद पड़ा है, नगर निगम का इस पर कब्जा है। आए दिन यहां पर आग लगने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक बार फिर आज आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। रीगल टॉकीज में भीषण आग किस तरह से लगी हुई है, कब से ये आग लगी हुई है, फिलहाल क्या स्थिति है, कितने गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची हुई हैं, ये सारी डिटेल आपको देंगे हमारे सहयोगी जब जुड़ेंगे, मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे साथ। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन पर, और जहां आप देख सकते हैं किस तरह से रीगल चौकी जो सालों से बंद पड़ा हुआ है वहां आग लगी हुई है। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अभी क्या स्थिति है? फिलहाल लगभग आग पर काबू पा लिया गया है, थोड़ी बहुत आग और बची, बहुत जल्द उस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन ये जो रीगल टॉकीज है, पहले इंदौर का सबसे प्रसिद्ध टॉकीज में से एक हुआ करता था। लोग सिनेमा देखने के लिए रीगल टॉकीज जाते थे, लेकिन अब पिछले कई सालों से इस पे नगर निगम का हक है, और जब से ये नगर निगम के अंदर में है, यहाँ पे कुछ दूसरे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इसलिए सालों से ये जो स्थान है वो बंद पड़ा हुआ है। और अक्सर महीने दो महीने के अंदर वहां से आगजनी की बड़ी घटना की तस्वीर सामने आती है। अभी महज 15 दिन पहले ही वहां पे आग लगी थी, हालांकि आपको बहुत जल्द बुझा लिया गया था, लेकिन आज फिर एक बार भीषण आग लगी है। और जैसे ही सूचना मिली, फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पहुंची और तत्काल इस पर लगभग काबू पा लिया गया। और ये लेकिन गनीमत इस बात की हर बार रहती है जब भी आगजनी घटना होती है कि यहाँ आसपास कोई होता नहीं है, पूरा जो परिसर है वो बंद पड़ा हुआ है, किसी का आना जाने का वहां पे कोई रूट नहीं है, कोई अंदर आता जाता नहीं है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से बेहतर रहता है। लेकिन फिलहाल आग पर स्थिति जो है नियंत्रण में है, बहुत जल्द जो थोड़ी बहुत आग बची उसे बुझा लिया जाएगा। लेकिन रीगल टॉकीज में आग लगने की एक साल के अंदर ये आठवीं घटना है। जी शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। अगली खबर जबलपुर से है, जहां पर डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन पर जुर्माना लगाया है हाईकोर्ट ने। 25,000 रुपए का जुर्माना हाईकोर्ट ने लगाया है। एक हफ्ते में यह रकम याचिकाकर्ता को देने के आदेश हैं। डीएमई ने नियम के विरुद्ध यहां तबादला किया था। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मौर्य सेठिया का तबादला जबलपुर मेडिकल कॉलेज से सिवनी मेडिकल कॉलेज तबादला किया गया था। सेवा शर्तों में नॉन ट्रांसफरेबल है मेडिकल कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब। मध्य प्रदेश में किसानों के हित में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने मूंग फसल खरीदी की तारीख को और आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में प्रदेश के किसानों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों को फसलों की तुलाई में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए मूंग खरीदी की तारीख को आगे कर दिया। कृषि मंत्री इदल सिंह कसाना ने मूंग खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर जानकारी दी। बताया कि 5 अगस्त तक हमारी सरकार किसानों की मूंग खरीदी करेगी। के लिए किसानों की तमाम मांग थी, जिस पर से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, और मेरे आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करते हुए किसान हित में उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और जो हमारे किसानों की कुछ स्लैक बुक तो हो गई थी, उपार्जन नहीं हो रहा था, और कुछ शेष हमारे किसान रह गए थे स्लैक बुकिंग के लिए, स्लैक बुकिंग के लिए उन्होंने कल 1 अगस्त को समय निर्धारित किया है। 5 अगस्त तक जिनके स्लॉट बुक हुए हैं, इनके स्लॉट कल बुक होंगे,
5 अगस्त तक हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, किसानों की मूंग खरीदी का उपार्जन करे। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। प्रदेश के किसान भाइयों की मांग को ध्यान में रखते हुए तिथि में संशोधन किया है। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए उपार्जन की तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित थी, लेकिन किसानों के हित में निर्णय लिया है कि अब उपार्जन संबंधी समस्त जिलों में एक दिन आप किसानों को स्लॉट बुकिंग करने के लिए दिया जा रहा है, जिससे 5 अगस्त तक मूंग का विक्रय किया जा सकेगा। तो ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए उपार्जन की तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित थी, लेकिन किसानों के हित में निर्णय लिया है कि अब उपार्जन संबंधी समस्त जिलों में एक दिन आप किसानों को स्लॉट बुकिंग करने के लिए दिया जा रहा है, इससे 5 अगस्त तक मूंग का विक्रय किया जा सकेगा।